नमस्कार दोस्तों, बचपन एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। कल जो टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था उसमें वाइट बैलेंस की बात की थी, लेकिन जेपेग और रॉ इमेजेस पे बात करना बाकी रह गया था। ये एक 5D Mark III कैमरा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस कैमरे में मेन्यू में अगर हम जाते हैं इमेज क्वालिटी पे और अगर आप देखें तो इसमें रॉ और जेपेग दोनों की सेटिंग है। आप दोनों पे सेट कर सकते हैं और रॉ इमेजेस भी और साथ ही साथ जेपेग इमेजेस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप इस कैमरे को देखें तो इस कैमरे में आपको लाइट के कंट्रोल्स दिखाई देंगे, जो इमेज बनने का प्रोसेस है। इमेज लाइट लेंस के थ्रू अंदर जाता है और अगर आप अंदर को देखने का प्रयास करें, मैं आपको दिखाऊं इसको, आप ऐसा अपने घर पे मत करिएगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ आपको मिरर दिख रहा होगा, लाइट यहाँ मिरर पे आती है, इस मिरर से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। 45 डिग्री पे ये मिरर रहता है और इसे रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाती है। आप लोग ऐसा अपने कैमरे के साथ करने का प्रयास मत करिएगा क्योंकि इससे आपके कैमरे को नुकसान भी हो सकता है। ये जो लाइट ऊपर की तरफ जा रही है वो लाइट हमें व्यू फाइंडर यहाँ पे दिखाई देती है और इमेज आपको दिखाई देती है। SLR सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, या उसके पहले TLR कैमरे आते थे जिसे ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कहते थे। अब डिजिटल SLR कैमरे जो आए हैं इसमें ट्विन लेंस से के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ट्विन लेंस में दो होते थे देखने के। एक तो आपका व्यू आपको जहां से मिल रहा है देखने के लिए अलग और खींचने के लिए अलग था, जिसके कारण जो दिखता था वो खिंचता नहीं था। लेकिन SLR में, DSLR में ये आपको हो गया कि आप जो देख रहे हैं वही आप फोटो शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आसानी होती है शूट करने में। साथ ही साथ एक बात और भी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी फोटोग्राफी कैमरे में लाइट के कई कंट्रोल होते हैं और लाइट के कंट्रोल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला कंट्रोल होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं। जो लाइट अभी आप हमारे इर्द गिर्द लाइट देख रहे हैं, जो कैमरे में लाइट ये जा रही है, इस लाइट को अमाउंट ऑफ लाइट कहते हैं कि कितनी लाइट है और यहाँ पे कितनी लाइट है। इसके अलावा इस लाइट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास अपर्चर है। अपर्चर एक सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो एक छिद्र है या छेद है जिससे हम कितनी लाइट अंदर आनी है वो अलाउ होने देते हैं, तो अमाउंट ऑफ लाइट की बात करते हैं। इसके अलावा भी आपने कैमरे में अंदर देखा कि जब हम कैमरे के अंदर लाइट जाती है तो शटर होता है, शटर ड्यूरेशन ऑफ लाइट होती है। ये दो बातें हमेशा याद रखिए कि अमाउंट ऑफ लाइट के लिए हम अपर्चर का इस्तेमाल करते हैं कि कितनी लाइट अंदर आपके कैमरे के अंदर प्रवेश करना चाहिए, उसका कंट्रोल आपके पास है। लेकिन कैमरे के अंदर अगर अगर आपकी लाइट जो जा रही है वो या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। फोटोग्राफी में अगर आप ध्यान दें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहली चीज ये हो सकती है कि लाइट ज्यादा हो तो ओवर एक्सपोज हो सकता है, लाइट कम हो तो अंडर एक्सपोज हो सकता है। एक फोटोग्राफर के रूप में हमें क्या करना है, हमें करेक्ट एक्सपोजर चाहिए। तो करेक्ट एक्सपोजर को समझना ही फोटोग्राफी है ना, हमें अंडर एक्सपोज चाहिए ना हमें ओवर एक्सपोज चाहिए। अगर लाइट कम है तो अंडर एक्सपोज होगा तो फ्रेम में आपको काला दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, डिटेल्स नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर लाइट ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं ज़्यादा है फ्रेम में, तो आपको बहुत सारा सफ़ेद एरिया दिखेगा जहाँ पे आपको डिटेल्स दिखाई नहीं देगी, या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारा सफ़ेद पैचेस आपके फ्रेम में है। तो एक फोटोग्राफर का काम यही है कि वो ना अंडर एक्सपोज चाहिए ना ओवर एक्सपोज चाहिए। लेकिन जब हमने जेपेग और रॉ की बात की थी,
रॉ में अगर आप शूट करते हैं तो इवन अंडर एक्सपोज्ड और ओवर एक्सपोज्ड इमेजेस को करेक्ट करने का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप जेपीईजी फॉर्मेट में जो कि शूट किया है तो उसमें अंडर एक्सपोज्ड है या ओवर एक्सपोज्ड है तो उसे आप ठीक करने के लिए एक हद तक ही कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं कर सकते। लेकिन अगर रॉ है तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको इवन अंडर एक्सपोज्ड इमेज को आप करेक्ट एक्सपोजर तक लेकर आ सकते हैं। ये एक खास बात है जब आप शूट करते हैं तो आपके जो सेंसर्स की क्वालिटी है, जब आप डिसाइड करते हैं कि हमें जेपीग में करना है या फिर रॉ में हमें शूट करना है, तो आपका जो सेंसर है उसकी जो क्वालिटी है, अगर आपने पैसे लगाए हैं अपने कैमरे में तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। पर जो सबसे खास बात है कि जेपीग में कम स्पेस आपका खाता है, और अभी आपने रॉ में शूट करना शुरू किया तो पता चला कि आपका जो मेमोरी कार्ड है वो तुरंत पूरा फुल हो गया। तो ये एक परेशानी है, लेकिन अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें, जिसके लिए हमें ये ध्यान देना चाहिए। तो जो जो कैमरा है, जब कैमरे में लाइट एंटर करती है तो लेंस के थ्रू एंटर किया लाइट ने, तो हमने अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया। फिर उसके बाद शटर के द्वारा ड्यूरेशन ऑफ लाइट को कंट्रोल किया। अगर लाइट कम है तो जाहिर सी बात है, जब अगर लाइट कम है तो शटर के द्वारा भी हम उसको लाइट की ड्यूरेशन को बढ़ा के, जैसे हम 1/30 कर सकते हैं या फिर 1 सेकेंड पे कर सकते हैं। 1 सेकेंड का शटर मतलब 1 सेकेंड तक लगातार टाइम और स्पेस दोनों में आपका कैमरा मूव कर रहा है। तो ये बड़ी तकनीकी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि शटर से आप ड्यूरेशन कंट्रोल करते हैं और अमाउंट ऑफ लाइट आप कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से आजकल आईएसओ एक कंट्रोल है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके नेचुरली आप लाइट को घटाकर बढ़ाकर या फिर शटर और अपर्चर की सहायता से लाइट को आप मैनेज करिए। जितना नेचुरल तरीके से मैनेज हो उतना अच्छा फोटोग्राफी के लिए है, लेकिन तकनीकी सुविधाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम कई बार कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे लो लाइट है और आप इमेज लेना चाहते हैं तो आईएसओ की जो आप है न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आप बढ़ा के आप एक तरह से कैमरे को फोर्स कर रहे हैं कि कम लाइट में ज़्यादा आपको लाइट चाहिए, और कैमरा आपको उस तरह की सुविधा देता है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादती करते हैं तो वो नुकसानदायक हो जाती है। अगर आपकी बहुत ही लो लाइट कंडीशन है और आपने उसमें इमेज को बहुत ज़्यादा फोर्स किया या बहुत ज़्यादा आईएसओ रख दिया तो आगे चल के इमेज में ग्रेनी भी हो जाती है। इसलिए मेरा तो यही सजेशन है फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स को कि जब भी आप कहीं भी हैं फोटोग्राफी के लिए जा रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में लाइट हो, रिफ्लेक्टर्स हो, कटर स्टैंड हो, जिससे कि आप लाइट को ना सिर्फ लीकेज रोक सके बल्कि लाइट अगर कहीं पे नहीं है तो उसे भी आप मैनेज कर सकें।